हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, पीएफएमएस पोर्टल से यदि किसी को पेमेंट आपको करना है तो उसके लिए आपको उसको वेंडर बनाने की आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपको पीएफएमएस पोर्टल पर किस तरह से आप वेंडर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं रजिस्ट्रेशन की सारी प्रोसेस। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पीएफएमएस पोर्टल जो है वो ओपन करना रहेगा। इसका यूआरएल है pfms.nic.in। ये पोर्टल आपको ओपन करना है, इस तरह का पेज आपके सामने दिखेगा। इसका दोस्तों फुल फॉर्म भी यहाँ पे आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। अब इसको ओपन करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और आपका जो मेकर टाइप का आपका जो आईडी है उससे आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जहाँ से हमको वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना है। ये मेरा आईडी पासवर्ड सेव था तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे आप बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आपको वेंडर बनाने के लिए आपको मास्टर्स वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जाना है। इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है वो है वेंडर्स का। इसके टैब में आप अंदर पहुँचेंगे, सेकेंड नंबर का आ रहा है एड न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है वेंडर बनाने के लिए और ये पेज आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स में बहुत सारे ऑप्शन है आपको इसमें देखेंगे। पर्सनल यदि किसी का बना रहे हैं तो पर्सनल पर सिलेक्ट करना है। हो सकता है किसी कॉमर्शियल किसी कॉमर्शियल संस्था का आपको वेंडर बनाना हो तो कॉमर्शियल पे आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें शो होंगे। अब इसमें जो भी टाइप आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा ये पेज का जो फॉर्म है ना, उसमें फॉर्म में भी डिफरेंस हो जाता है। ये देखिए पर्सनल में कुछ अलग से कॉलम दिख रहे हैं, मान लीजिए इसको हम कॉमर्शियल कर लेते हैं तो थोड़ा सा पेज भी इसमें जो कॉलम है उसमें भी चेंज आ जाता है। तो मुझे अभी फिलहाल एक कॉमर्शियल का करना है। जैसे पर्सनल आप करेंगे तो पर्सनल की कॉलम इजी है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसमें डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जीएसटी नंबर यदि अवेलेबल हो तो वो, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें फिल करनी है। इसी तरीके से यदि कॉमर्शियल आप करेंगे तो कॉमर्शियल में डेट ऑफ बर्थ वगैरह का ऑप्शन ये हट जाता है। इसके अलावा जीएसटी नंबर ज़रूर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। ये मैंने कॉमर्शियल सेलेक्ट किया, ये पूरा पेज में एक बार फिल कर लेता हूँ फिर आपको उसकी आगे की प्रोसेस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने क्रिएट वेंडर वाला फॉर्म फिलअप कर दिया है। इसमें नाम लिख दिया, अकाउंट होल्डर का नाम लिखा है, जीएसटी नंबर, उनका पैन नंबर, एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल नंबर का उनके पास ऑप्शन हो, अवेलेबल हो तो डाल दें, नहीं हो तो फिर आप नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी हो तो वो डालना है। अब नीचे बैंक की डिटेल में आपको यहाँ पर बैंक का नेम जो आ रहा है इसमें आगे देखिए सिलेक्ट बैंक ऑप्शन एक आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नई टैब खुल जाती है। यहाँ से आपको बैंक का नाम सर्च करना है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुझे सर्च करना है, यहाँ पर डाला, सर्च पर क्लिक किया, यहाँ पर बैंक का नाम आ जाता है। इसको आप सिलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। अब नीचे अगले कॉलम में आपको वर्चुअल अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको टिक नहीं करना है, ये ऐसे ब्लैंक रहने देना है। यहाँ पर आप उसको संस्था जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वेंडर का, उसका आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है। तो ये मैं डाल देता हूँ अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको अभी सेव पे क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले आपको ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये बैंक की जो डिटेल है ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। ब्रांच नेम यहाँ पे शो नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक अकाउंट नंबर से बाद में जब बैंडर अप्रूव हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका IFSC कोड और उसका ब्रांच का नाम लिखा आ जाता है। स्टेटस में एक्टिव आ रहा है, वर्चुअल हमने नो किया था, टिक नहीं किया तो फाल्स आ रहा है। ये डिटेल आप देखने के बाद यहाँ पे आप इसको सेव पे क्लिक करना है। दोस्तों, चूंकि इस संस्था का इस अकाउंट नंबर का ऑलरेडी वेंडर बना हुआ है इसलिए यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ रहा है, अकाउंट नंबर दिस एंड वेंडर की जो आईडी है वो दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये पहले से बना हुआ है। यदि आप नया फ्रेश बनाएंगे तो ये सेव पे जैसे हमने नीचे क्लिक किया था उसके बाद एक टैब और खुलती है, उसमें येस और नो के ऑप्शन आते हैं तो उस पर आपको येस पर क्लिक करना है। जैसे आप येस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा और जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वेंडर का उसकी यहाँ पे आईडी एक जनरेट होकर आ जाती है इस तरह से, तो वो उसको आप नोट करके रख लें और इस तरह से आपका वेंडर ये क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, वेंडर क्रिएट होने के बाद कुछ समय कुछ घंटे इसमें लगता है पीएफएमएस अप्रूव होने में, तो आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको भी मास्टर्स में जाना है, यहाँ पर वेंडर्स पर क्लिक करना है। अभी हम ऐड न्यू पर हमने क्लिक किया था, अभी हमको मैनेज पर जाना है।
मैंने मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी आपने वेंडर बनाए होंगे आपके इस लॉगिन से, वो सब वेंडर आपको यहाँ पे सामने दिखेंगे, सारी डिटेल भी उस पर दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए बैंक स्टेटस, यहाँ पे यदि आपने अभी जस्ट बनाया होगा तो जब तक यहाँ पे अप्रूव नहीं आएगा, मतलब ये सक्सेस इन बैंक लिखा जाता है, इसका मतलब PFMSE अप्रूव हो गया है, और जब तक ये अप्रूव नहीं होता है तब तक पेंडिंग ऐसा कुछ करके यहाँ पे स्टेटस दिखता है। अब मान लीजिए 2-4 घंटे बाद सक्सेस इन बैंक आ गया, इसका मतलब आपका PFMSE जो वेंडर आपने बनाया है वो PFMSE अप्रूव हो चुका है। दोस्तों यही थी पूरी प्रोसेस वेंडर बनाने की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो भाई नए चैनल देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।